देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। तो फाइनली दोस्तों, ऑडियंस का दिल दहला देने वाली और सभी को रुला देने वाली फिल्म द कश्मीरी फाइल्स को रिलीज हुए आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन पूरे हो चुके हैं। और इन 3 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा की और बॉलीवुड की सभी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए गदर के जैसे बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती हुई नजर आ रही है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं द कश्मीरी फाइल्स के शुरुआती 3 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म ने कौन कौन से नए इतिहास रच दिए हैं और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो कितना हो चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी द कश्मीरी फाइल्स का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे और इस फिल्म को देख चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, विवेक रंजन अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनने वाली एक हिस्ट्री ड्रामा फिल्म है द कश्मीरी फाइल्स, जिसके लीड में आपको अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और दर्शन कुमार नजर आए हैं। दोस्तों, इन तीनों ने ही इस फिल्म में जिस तरह का आउटस्टैंडिंग और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है उसके बाद दोस्तों ऑडियंस की आंखों में आंसू आ गए हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म में दिखाई गई रियलिटी और साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद ऑडियंस को रोना रोना आ गया है। इस फिल्म को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से जिस तरह के आउटस्टैंडिंग और अब तक के सबसे बेहतरीन रिव्यूज मिल रहे हैं, उतने अच्छे रिव्यूज दोस्तों आज तक बॉलीवुड की किसी भी फिल्म को नहीं मिले। और इस फिल्म को दोस्तों 20,000 से ज्यादा वोट्स IMDb पर मिल चुके हैं और 10 out of 10 की रेटिंग्स दोस्तों इस फिल्म को अभी तक मिल चुकी है, जो कि दोस्तों एक हिस्ट्री है। इस फिल्म ने दोस्तों हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है और दुनिया भर की सबसे बड़ी साइट IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग्स पाने वाली फिल्म बन चुकी है। अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी को देखने के लिए ऑडियंस का जमावड़ा जिस तरह से लग रहा है उसके बाद यही कहना होगा दोस्तों कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक गदर फिल्म की तरह धमाकेदार कमाई करने वाली है। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो जहां हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 600 स्क्रीन पर 3,55,00,000 रुपए की कमाई की थी, लेकिन दोस्तों अपने दूसरे दिन इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे उसमें डबल से भी ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। और इस फिल्म ने दोस्तों अपने दूसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 7,80,00,000 रुपए की शानदार कमाई की है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का ऑल इंडिया ग्रॉस पर जो दूसरे दिन का कलेक्शन है वो 9 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। इस फिल्म का दोस्तों शुरुआती 2 ही दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो टोटल कलेक्शन है वो 13 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका है, जो कि दोस्तों एक तरह से आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है। बताते चले दोस्तों आपको कि आज इस फिल्म के 3रा दिन है और आज की इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वही लगभग 6.5 करोड़ रुपए की हो चुकी है, जो कि दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो सूर्यवंशी के बाद किसी भी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बेहतरीन और सबसे आउटस्टैंडिंग एडवांस है। आज दोस्तों मॉर्निंग से ही इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो 60% से ज्यादा की है। आफ्टरनून में दोस्तों इस फिल्म के ज्यादातर शो हाउसफुल चलने वाले हैं, साथ ही साथ दोस्तों इवनिंग और नाइट शो तो इस फिल्म के अभी से ही सारे हाउसफुल है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने 3रे दिन लगभग 1600 स्क्रीन्स पर चलने के साथ ही 11 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर रही है और अपने शुरुआती 3 ही दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 21 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर रही है। वहीं दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती 3 ही दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो टोटल कलेक्शन है वो 24 करोड़ रुपए का हो चुका होगा और यह फिल्म अपने शुरुआती 3 ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी। दोस्तों बता दें आपको कि ऑडियंस के बीच में जिस तरह का बज इस फिल्म के लिए देखा जा रहा है, उम्मीदें हैं दोस्तों कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर ले और हो सकता है दोस्तों कि यह फिल्म 200 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाए। आपको दोस्तों इस फिल्म से क्या उम्मीदें थी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी, इस फिल्म के कौन कौन से पॉइंट्स आपको सही लगे हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।